महत्वाकांक्षा और लोभ इस पाठ के माध्यम से, निबंध के माध्यम से पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हमें किस प्रकार का संदेश देते हैं यह देखते हैं। प्रथम मैं लेखक का परिचय लेता हूं। लेखक परिचय, पदुमलाल बख्शी जी का जन्म 27 मई 1894 को खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ। बीए के पश्चात आप साहित्य क्षेत्र में आए। आपके निबंध जीवन की सच्चाइयों को बड़ी सरलता से व्यक्त करते हैं। नाटकों से रमणीयता तथा कहानी से मनोरंजकता आपके निबंधों को विशिष्ट शैली प्रदान करती है। समसामयिक होते हुए भी निबंधों की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। बख्शी जी की मृत्यु 1971 में हुई। ये हुआ उनका परिचय। और लेखक हमें इस निबंध के माध्यम से किस प्रकार का संदेश देते हैं यह भी देखने वाले। उनकी प्रमुख कृतियां है पंचपात्र, पद्यवन, कुछ और कुछ। ये क्या है? निबंध संग्रह है। कथाचक्र उपन्यास है। हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य समीक्षात्मक ग्रंथ है आदि उनकी प्रमुख कृतियां भी है। ये विधा परिचय किस प्रकार की है ना। अब निबंध जो है किस प्रकार की विधा है, निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। किसी विषय या वस्तु पर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण दोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मक अभिव्यक्ति निबंध है। निबंध के लक्षणों में स्वच्छंदता, सरलता, आडंबरहीनता, घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ साथ लेखक के व्यक्तिगत आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया गया है। अब इस निबंध में किस प्रकार का उल्लेख किया है, कुल निबंध जो है 5 प्रकार के होते हैं, वो मैंने आपको पढ़ाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र आदि प्रमुख निबंधकार। पाठ परिचय, प्रस्तुत वैचारिक निबंध आदि महत्वाकांक्षा के साथ असंतोष, अति लालसा, स्वयं को सर्वशक्तिमान बना लेने की उत्कट अभिलाषा तथा कृतज्ञता के दृष्टि परिणामों को इंगित करता है। जहां पर व्यक्ति को लालसा, कैसी लालसा होती है बेटा, मैं इतना कमाऊं, मेरे पास इतना धन होना चाहिए, मैं ऐसा होना चाहिए, मेरे पास गाड़ियां होनी चाहिए, ये होना चाहिए, बंगले होनी चाहिए, क्या है? लालसा। सामान्य व्यक्ति भी जीता है क्या? दोनों भी प्रकार के लोग जीते। किस प्रकार जीते हैं बेटा? अच्छी तरीके से। लेकिन व्यक्ति में लालसा कुछ हद तक होनी चाहिए, है ना। अहंकार भी होना चाहिए क्या? अहंकार नहीं होना चाहिए। व्यक्ति जल्द से जल्द समाप्त हो जाता है और उसी प्रकार लालसा भी क्या है, व्यक्ति को जल्द से जल्द समाप्त कर देती है। अब प्राप्ति के प्रति विरक्ति का भाव तथा अप्राप्ति की लालसा हमेशा मानव मन को लोभ के जाल में फंसा देती है। कैसे फंसाती है बेटा? विचार जो है उसी प्रकार व्यक्ति चले तो क्या हो जाएगा, लालसा के पीछे चलेगा। अब व्यक्ति में अच्छे गुण हो तो लालसा कम हो जाती है या कम रहती है। मैं क्या कह रहा हूं देखो, ये आपको भी सही लगता होगा और सही है। अच्छे व्यक्ति में वो परिणाम का सोचता है, किस प्रकार का परिणाम होगा, है ना। एक कार्य कर रहे हैं आप, पहले यह सोचते हैं कि अरे परिणाम किस प्रकार का होगा,
अच्छा कार्य कर रहे हैं क्या या नहीं कर रहे, तो क्या है लालसा में तो कौन की नहीं रहे। अब मछुआ मछुई की कहानी के माध्यम से मानव मन के अनंत इच्छाओं के परिणाम का रोचक चित्रण इस निबंध में किया गया। यह निबंध विचार करने के लिए प्रवृत्त करता है, विचार करने के लिए प्रवृत्त करता है। मैंने आगे भी कहा क्या है, सोच विचार करने के बाद एक कार्य कर रहे सही या गलत है यह कहने के बाद क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में कुछ विचार आएंगे अच्छे और क्या है कुछ लालसा प्रति आप पीछे नहीं दौड़ेंगे क्या नहीं। अब पाठ की तरफ बढ़ते हैं। बड़ों में जो आत्मकांक्षा होती है देखो उसी को जब हम शूद्रों में देखते हैं तो उसे हम लोभ कह देते हैं। उसी के संबंध में आज एक पुरानी कथा कहता हूं देखो। बड़े व्यक्ति एखादे कार्य करना चाहते हैं तो कर रहा है और वही व्यक्ति जो है बड़ा कौन सा गरीब व्यक्ति हो उसी प्रकार का विचार कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं हम लालसा। बराबर छोटे लोग छोटे ही रहे क्या, अमीर लोग अमीरी हो जाए ऐसा कुछ है क्या नहीं है, दोनों को भी सोचना चाहिए। लेकिन आगे लोग क्या कहते हैं वो गरीब ही रहे, कुछ लोग कह रहा हूं मैं पूरे का पूरे नहीं तो ये संसार नहीं चलेगा, कुछ लोग कह रहा हूं। तो इस कथा के माध्यम से लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं देखो, पहले दो पंक्तियां जो जीवन में बहुत कुछ सिखाती है, क्या कह रहा हूं मैं ये दो तीन पंक्तियां है बहुत कुछ बातें सिखाती है। एक था मछुआ एक थी मछुई, यानी कि मछलियां पकड़ने है ना, दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियां पकड़ता, मछुई दिन भर दूसरा काम करती, तब कहीं रात में वे लोग खाने के लिए पाते। देखो ये जो पति पत्नी है आपने अपने तरीके से क्या कर रहे थे कार्य करते, मछुआ जो है मछुआ मछलियां पकड़ने का कार्य करता है और उसकी बीवी क्या है घर का ही काम करती। अब तब कहीं जाके उनको क्या है दो वक्त का खाना मिलता है, ग्रीष्म हो या वर्षा शरद हो या वसंत उनके लिए वही एक काम था, वही एक चिंता थी, वे भविष्य की बात नहीं सोचते क्योंकि वर्तमान में ही व्यस्त रहते थे, उन्हें न आशा थी न कोई लालसा। देखो जब व्यक्ति को लालसा नहीं होती है तो चिंता नहीं होती, क्या करो देखो व्यक्ति लालसा के पीछे पड़ जाता है तो ज्यादा चिंता करने लगता है ना। मैं क्या कर रहा हूं तो विचार कीजिए। अब ये लोग जो है वर्तमान में जीते हैं, भविष्य की कुछ सोचते हैं क्या नहीं सोचते, मुझे इतनी प्रॉपर्टी हो इतना पैसा हो ऐसा उनका कुछ ख्याल था क्या नहीं, लेकिन क्या है मेहनत करते हैं। अब पर एक दिन एक घटना हो गई, मछुआ आ रहा था मछलियां पकड़ते, नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था उसमें कुछ पानी भरा था, उसी में एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई, वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती, उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा मछुए ओ मछुए जरा उधर तो आ। देखो ये बोलती है क्या बेटा, एक कहानी जैसा। अब ये छोटी सी मछली जो है किसे उठ रहा है बुला रही है उस मछुए को बुला रही है, यानी कि उसका उसको कुछ क्या है ना, उस छोटे छोटे पत्तों में या पेड़ों में क्या है उसे समस्याएं हो रही और वो क्या है पुकार कर बुला बुलाने की कोशिश करती है किसे उस मछुआ को।
मछुआ उसके पास जाकर बोला, क्या है? मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी तैरना अच्छी तरीके से नहीं आता। देखो वो छोटी होने के कारण क्या है, अच्छी तरीके से मुझे तैरना आता है क्या? नहीं आता, यहाँ आकर फंस गई हूँ, मुझको किसी तरह यहाँ से निकाल कर पानी तक पहुंचा। देखो वो छोटी सी होने के कारण थोड़े से पानी में भी जीवित रह गई थी, लेकिन यह आशा उसे लगती क्या है, मछुआ है, मछलियां पकड़ता है, लेकिन छोटे छोटे पकड़ता है क्या? नहीं पकड़ता। और क्या है, पुकार कर कह देती है, और क्या है, वो उनके साथ बात करने लगती है। मछुए ने नीचे उतर कर लता से उसको अलग कर दिया, मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। देखो क्या बात, तो जुड़ी लताओं में फंस जाने के कारण क्या है, उसका जीवन संकट में था। अब कुछ दिनों के बाद उस मछली ने उसे फिर पुकारा। देखो क्या बात है, मछुए मछुए क्या कर रही है, देखो इधर को आ, मछुए को जोर जोर से पुकारने लगती है। मछुआ उसके पास गया, मछली ने कहा, क्या करती है, देखो सुनती हूँ नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुंचा दे, मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती, तो कोई ऐसा उपाय कर कि मैं नदी तक पहुंच जाऊं। देखो क्या बात, तरकीब सोच ली थी वो छोटी सी मछली ने, आज थोड़ी हो रही थी वो, है ना, दिन दिन बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे वो क्या है, थोड़ी हो रही थी। अब वो सोचती है क्या है, यहाँ पर पानी कम पड़ रहा है, इसी कारण क्या है, उस बड़े या बड़ी जहां पर ज्यादा पानी हो वहां पर पहुंचना चाहती थी। अब ये सारी की सारी बातें जो है मछुआ सुन लेता थे, यह कौन बड़ी बात है, मछुए ने कहा। मछुए ने यह कहकर एक बर्तन निकाला और उसमें खूब पानी भर दिया, फिर उसने उसी में उस मछली को रखकर नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुंच गई और आनंद से तैरने लगी। क्या बात, मछुआ एक अच्छा व्यक्ति है, ना उसके मन में स्वार्थ है, ना घृणा है, वो क्या है, वो जितना करती है उतना ही क्या है, कार्य करता है ना। उसको मन में विचार आता है, चलो क्या है, वो बड़ी हो गई थोड़ी, उसे पकड़ कर लेकर जाते या बेच देते या खा लेते हैं, वैसा विचार आ गया था क्या? और उसने पहली बार देखा था कि अरे मछली भी बोलती है, ऐसी मछली उसने कभी नहीं देखी। उसे भी प्रसन्नता होती है। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने मछुए को पुकार कर कहा, मछुए तू रोज यहाँ आकर एक घंटा बैठा, तेरे आने से मेरा मन क्या है, बदल जाता। उसे भी प्रसन्नता लगती है, इस प्रकार व्यक्ति को किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रहने के बाद, उसके संपर्क में आ जाने के बाद, उसके प्रति जो भावना होती है, प्रेम भरी भावना, वो क्या है, जागृत है ना। दो दोस्त है, एक दूसरे के विचार में एक जैसे होने के साथ ही क्या है, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। सही बात। अब कुछ हर साल होता है उसी प्रकार इस साल भी होगा, यह मैं आशा रखता हूँ। ग्रुप हो जाते हैं आपके दो चार लोगों के, विद्यार्थियों के, और क्या है, आपस में वही दो साल रहते हैं, उनमें ना झगड़ा होता है